subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 80 तो कभी नहीं होगी, 280 सेंटीमीटर हाइट कभी नहीं होगी एक आदमी की, क्लियर? तो अगर मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट आदमी की जो ये रेंज आई है, ये रेंज, ये जो पॉसिबल है एक आदमी की हाइट जो पॉसिबल है, उस पॉसिबल मान लेते हैं पॉसिबल क्या है, 172 मान लेते हैं, ठीक है, एवरेज हाइट मान लेते हैं 172 सेंटीमीटर है। तो अगर आपकी रेंज 200 से 250 आती है, इसका मतलब आपने मिरर गलत लगा रखा, आपको मिरर सही करना चाहिए। मतलब वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर जनरली आदमी की हाइट इतनी होती है तो बताइए कि मिरर दीवार से कहाँ लगाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन कर सकता है कि दीवार पर नीचे कितना गैप छोड़कर मुझे मिरर लगाना चाहिए यदि आदमी की जनरल हाइट, मतलब इस रूम में जितने भी लोग एंटर करते हैं किसी भी आदमी की जो जनरल हाइट है वो मान ली जाए कि 172 है, तो बताइए कि मिरर कहाँ लगाना चाहिए। तो मिरर ऐसी जगह लगाना चाहिए कि फील्ड ऑफ व्यू में वो हाइट आ जाए, समझे? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। वो ऐसे भी बोल सकता है कि यदि एक परिवार में जो हाइट की रेंज है, एक परिवार में हाइट की रेंज आती है 150 सेंटीमीटर से लेके 175 सेंटीमीटर, एक परिवार है जिसमें बंदों की हाइट 150 सेंटीमीटर से लेके 175 सेंटीमीटर है, तो बताइए दीवार पर मिरर कहाँ लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है कि दीवार पर मिरर नीचे से, यही मिरर, मिरर की लंबाई वो देगा आपको, नीचे फ्लोर से मिरर कहाँ लगाना चाहिए कि हर एक बंदा देख पाए, परिवार का हर एक बंदा इस फुटबॉल को देख पाए या किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पाए, क्लियर? वो ऐसे भी देख सकता है, फुटबॉल ना देखे, पीछे एक दीवार है, दीवार पे एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इस दीवार के सामने एक दूसरी दीवार है, वहां एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट को देख पाए। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है फील्ड ऑफ व्यू पे, समझे? आप अपना दिमाग जितने तरीके से चला सकते हो चलाइए, क्योंकि मेरे 3 या 4 क्वेश्चन करा देने से ये बात सिद्ध नहीं हो जाती है कि आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। अब आप ये फ्रेमिंग अगर जान जाएंगे तो वो चाहे कुछ भी सोचे आप उससे एक कदम आगे रहेंगे, समझे? इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू आर्टिकल दैट इज ऑब्जेक्ट इमेज वेलोसिटी। प्लेन मिरर में यदि प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट चलता है तो इमेज किस स्पीड से चलता है, ये हम यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें 2 केस आते हैं। पहला केस मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मिरर स्टेशनरी होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ये एक मिरर में बना देता हूँ, एग्जाम्पल से ही ये चीज आपको समझाऊंगा। ये मिरर है, इसके सामने ये एक पॉइंट है ओ, जो ऑब्जेक्ट है ये आगे की ओर जा रहा है, क्लियर? ये आगे की ओर जा रहा है, मिरर एम स्टेशनरी। अगर ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी यू रखता है तो इमेज की वेलोसिटी क्या आएगी? आप जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस होती है एक्स, इतनी डिस्टेंस पीछे ही इमेज बनता है। यदि ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो एक्स कम होगी, जिस वजह से ये भी डिस्टेंस कम हो जाएगी। ये एक्स होगी डिस्टेंस इनिशियली, तो अगर इधर एक्स कम होगा तो ये एक्स भी कम होगा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है तो इमेज की वेलोसिटी ये होगी। तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हम वेक्टोरियल फॉर्म में आंसर देना चाहते हैं, समझे? और यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड में अगर बात किया जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये इस केस में यू के बराबर आएगा, फर्स्ट पॉइंट, ऐसे हम डिस्कस करेंगे, क्लियर? सेकेंड पॉइंट, ये मिरर
और इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके पास वेलोसिटी ऐसे है, मिरर का जो प्लेन है, मिरर के प्लेन से, मिरर का प्लेन इस प्लेन के पैरेलल, तो ये मिरर के साथ ये वेलोसिटी एंगल बनाती है थीटा, ये दिया गया आपको, समझिए ऐसे कि जो मिरर का प्लेन है, मिरर की लाइन है, उससे एंगल थीटा बनाती है, तो और इसकी वेलोसिटी यू है, तो जो अब ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी रखेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। यहां आएगा इमेज, ये ऑब्जेक्ट है जो इमेज होगा वो कितनी वेलोसिटी रखेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है तो इमेज की वेलोसिटी आप बोलेंगे सर इस प्रकार से आएगी कि एक कंपोनेंट तो इसका ऐसे आएगा इस वेलोसिटी का इधर यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर। जो पैरेलल कंपोनेंट होता है मिरर के प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो होगा वो कभी चेंज नहीं होगा इमेज के पास। अगर आप मिरर के सामने मिरर के पैरेलल चलते हैं तो आपका इमेज भी पैरेलल चलेगा सेम वेलोसिटी से, क्योंकि आप ये डिस्टेंस मेंटेन करते हैं इस कंपोनेंट से। अगर आप ऊपर जा रहे हो ना, सिर्फ ऊपर जा रहे हो, तो ये डिस्टेंस मेंटेन है, तो ये डिस्टेंस यहाँ भी मेंटेन रहेगी। इसका मतलब इमेज का ये वाला कंपोनेंट तो सेम रहेगा यू कॉस थीटा, लेकिन परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वो चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा u साइन थीटा, लेकिन अपोजिट सेंस में, पीछे की ओर, नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन अगर ये डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी मेरे को। तो इस केस में आप आंसर कैसे लिखोगे, देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज आप ऐसे लिखोगे कि ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है मिरर के, वो तो निगेटिव हो जाएगी, समझे, प्लस और वो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो कि पैरेलल है मिरर के वो सेम रहेगी। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, आगे लिखते हैं, उधर लिखते हैं, और ये इमेज कुछ ऐसे चलता हुआ नजर आएगा। इमेज की नेट वेलोसिटी आपको ऐसे नजर आएगी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज नॉर्मल टू मिरर विल बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू मिरर। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर विल बी इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर। ये दोनों बराबर आएंगे मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, समझे, ये दोनों पैरेलल होंगी, लेकिन नॉर्मल वाली सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में डिफरेंस रखेगी, मैग्नीट्यूड उनका भी बराबर होगा, समझे। थर्ड केस मान लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये कुछ इस प्रकार से दे रखी है आपको, ये मिरर है, ठीक है, और मिरर का जो प्लेन है, मिरर का प्लेन, वो मिरर का प्लेन मान लेते हैं आपको दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, और यहां एक वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कितनी है 2i + 3j + k, ये वेलोसिटी है। 3D में क्वेश्चन दे रहा हूं इस बार में आपको, ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज आएगा
उसकी वेलोसिटी क्या आएगी। ये तो जस्ट नोटेशन है, या तो मैं नोटेशन दे रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी इतनी है, मतलब ये जो डायरेक्शन दिखा रहा हूं ना, डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखती है यहां, क्योंकि ये 3D पिक्चर है। 2D में मैं ये चीज दर्शा ही नहीं सकता हूं, बस यहां लिखते जा रहा हूं कि प्लेन एक्स वाई प्लेन में है मिरर, वेलोसिटी कहीं भी है इतनी है, इमेज की वेलोसिटी कहीं भी होगी वो आपको बताने है, वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको बताने है क्या होगा ये इमेज। सोचो इसको कैसे करेंगे, ये तो समझ में आता है 1D एक यूनिडायरेक्शन, 2D ये जो ऑब्जेक्ट इमेज वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसके लिए ये 1D में क्वेश्चन बड़ा आसान था, 2D में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ, 3D ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि ये टिपिकल है, अगर आप सोचोगे इमेजिन करोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप सोचोगे ध्यान से। सोचो अभी पीछे जो क्वेश्चन दिया मैंने आपको वो आपका होमवर्क है, उसको हम जूम लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तब तक आप सोचते रहिए उसके बारे में। मैं नेक्स्ट सेकंड केस आपको बता रहा हूँ, व्हेन मिरर इज नॉट स्टेशनरी, यदि मिरर मूव करता है तो जो पीछे वाला आर्टिकल मैंने आपको बताया वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्लियर। मिरर यदि रुका हुआ है तो उसमें 3 स्टेप है, 1D 2D और 3D में सोचना, समझे। ऐसे ही अगर मिरर चला दिया जाए तो उसमें भी 3 स्टेप है, पहले 1D में सोचेंगे, फिर 2D में और फिर 3D में। तो ये मैं पहला केस आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मिरर और ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, मिरर भी चल रहा है, हो सकता है इधर चले मिरर, हो सकता है ऑब्जेक्ट इधर चले, वेलोसिटी कहीं भी हो सकती है, लेकिन अभी मैं एक डायरेक्शन में वेलोसिटी लूंगा, एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन मतलब एक लाइन में, समझे ना, एक लाइन यूनिडायरेक्शनल, एक लाइन में इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, एक लाइन में वेलोसिटी तीनों की इधर और इधर हो सकती है, इसलिए मैं इसको 1D बोल रहा हूं, समझे। तो मैंने इसकी वेलोसिटी x मान ली, इसकी वेलोसिटी y मान ली मिरर की, तो इमेज की कितनी आएगी ये आपको बताना है। अगर मिरर रुका होता है तो आप जानते हैं अच्छे से कि ऑब्जेक्ट अगर इधर से u चलेगा तो मिरर इमेज उधर से u से आएगा, ये मिरर है ये ऑब्जेक्ट है, अगर मिरर रुका हुआ है तो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से आएगा इमेज उसी वेलोसिटी से पीछे से आएगा, ये हम जानते हैं पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा है। तो यानी मिरर जब रुका होता है तो चीजें बहुत आसान होती है, समझे, उसको हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, वो हमारे दिमाग में सेट हो जा रहा है, लेकिन यहां कैसे आंसर दें। अगर मिरर यहां भी रुका होता तो समझ सकते थे, सेम आंसर आएगा, लेकिन अब तो ये डिस्टेंस वेरी करने के दो रीजन है, एक इसकी वेलोसिटी, एक इसकी वेलोसिटी, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस वेरी होने के दो रीजन है, एक इसकी वेलोसिटी एक इसकी वेलोसिटी, तो ये डिस्टेंस डिपेंड करेगी कि ये इमेज इधर आएगा या इधर आएगा या रुका रहेगा, ऐसा हो सकता है यदि ये दोनों बराबर हो तो ये डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहेगी, इसका मतलब इमेज की वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो आएगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर कॉन्स्टेंट है तो ये डिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट रहेगी, तो ये इमेज जो है मूव नहीं करेगा उस केस में, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट केस हो सकते हैं, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा पूरा का पूरा अरेंजमेंट आगे जाएगा, तो ये इमेज भी साथ साथ में आगे जाएगा, मतलब मिरर के रेस्पेक्ट में रुक जाएगी, इमेज की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में जीरो होगी उस केस में, समझे। अगर मैं इन दोनों को 2 मीटर से आगे चला रहा हूं, मिरर और ऑब्जेक्ट, मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों को 2 मीटर पर सेकंड से आगे चला रहा हूं, तो इमेज इधर ही जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से, यानी इमेज जो इमेज होगा वो मिरर के रेस्पेक्ट में ही चलेगा, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहेगी, तो वेलोसिटी तो आएगी उसकी इमेज की, लेकिन मिरर के रेस्पेक्ट में जीरो आएगी। तो बड़े डिफरेंट डिफरेंट केस हो सकते हैं, अगर ये ज्यादा है ये कम है ये ज्यादा है, दोनों बराबर है, तो अलग अलग केस आएंगे, समझ में ही बात, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं और इसकी पहले वेलोसिटी मान लेते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्स है, समझे ना, एक्स यहां माना हुआ है, वाई यहां माना हुआ है, तो जेड मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज हम मान लेते हैं जेड आ रही है, सब इस डायरेक्शन में मैंने माना है। अगर कोई निगेटिव आ जाता है सॉल्व करने के बाद का मतलब क्या होगा, वो मैंने गलत माना था, इधर इधर होगा, क्लियर, ये अननोन है, ये मैंने माना है जेड, वाई और एक्स मुझे गिवन है, तो मैं इसको ए और बी दे देता हूं, ये ए है और ये बी है और ये एक्स है, थोड़ी फील आती है ना अननोन वाली, एक्स है, इसलिए ये ए और बी गिवन है और ये एक्स है, एक्स मुझे बताना है, मैंने वो इधर मान लिया,
तो अगर एक्स नेगेटिव आता है, इसका मतलब मैंने गलत माना था, इमेज इधर चल रहा है, तो उससे कोई घबराने की वाली बात नहीं है। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, पहले इस पे बैठ जाऊंगा मिरर पे। अब मिरर पे बैठते मुझे इसकी वेलोसिटी जो नजर आएगी वो कितनी नजर आएगी, इसकी वेलोसिटी नजर आएगी ए माइनस बी, क्योंकि मैं इसकी वेलोसिटी अपोजिट करके इसमें ऐड करूंगा। तो मैं विद रेस्पेक्ट टू, अब नया फिगर बनाऊंगा विद रेस्पेक्ट टू, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड था, ये फिगर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब बना रहा हूं मैं विद रेस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रेस्पेक्ट में यही क्वेश्चन किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। मिरर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी अब जीरो, क्लियर। ये जो इधर है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ए माइनस बी, वो आएगी कैसे, वो ऐसे आएगी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसे आएगी, क्लियर, ए माइनस बी। अब इमेज ये है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्स इमेज की, इसमें से मुझे ये भी घटानी पड़ेगी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अपोजिट करूंगा मैं माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, यानी एक्स माइनस बी, एक्स को ही बड़ा मान रहा हूं भी मैं, तो ये वेलोसिटी आएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रेस्पेक्ट में भी दोनों वेलोसिटी इनकी हो जाएगी ऑब्जेक्ट और इमेज की, क्लियर। तो अब ये मिरर रुका हुआ है, मिरर क्या बोलेगा, मिरर पर बैठा हुआ बंदा बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, अब जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है यानी ये वेलोसिटी, ये माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, क्योंकि मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है, ये क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, और ये क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो जो मिरर पर बैठा हुआ बंदा है वो ये बोलेगा कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर आएगा, अगर ये आगे जा रहा है तो ये पीछे आना चाहिए, और ये पीछे जा रहा है तो ये आगे जाएगा, यही तो फंडा था, मैग्नीट्यूड बराबर आएंगे। तो अब ये अपने दिमाग से इक्वेशन लिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर आनी चाहिए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब मैं जानता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस, समझे, ये वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे बताना है वो आ जाएगा टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस, ये इधर जाएगा प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला लोग बताते हैं इस केस में। मैं आपको बोलूंगा कि फॉर्मूला कभी नहीं रटना है, मैंने तो जस्ट ये ऐसे ही प्रूव किया है कि मैं प्रूव कर सकता हूं, अदरवाइज आप इसको याद नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला आप याद नहीं करेंगे। आप कैसे सॉल्व करोगे, आप ऐसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे सॉल्व करोगे, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये ए है ये बी है, यहां बैठ जाओगे, इस वेलोसिटी को गायब कर दोगे, बोलोगे कि ये a माइनस बी बचा, कौन सोल्व कर रहा है, मिरर सोल्व कर रहा है, मिरर के पास कोई वेलोसिटी नहीं, आप इसकी कोई वेलोसिटी नहीं मानेंगे कि इसकी x मान लेते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, रिलेटिव लगाते हैं, वो तो जस्ट एक नोट्स लिखने का तरीका है, हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, हमें दिखाना नहीं है किसी को, समझे कि हमने नोट्स बना रखे हैं, हम इसको याद करते हैं, हमें क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से लोग कंफ्यूज होते हैं कि माइनस कहां लिखे प्लस कहां लिखे, आपको रिलेटिव फंडा बड़े अच्छे से आता है। ये मिरर
इसके चलने से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, आप इस मिरर की मोशन को रोक दो, कैसे रुकेगा? इस पे जाके बैठ जाओ, इस पे जाके बैठ जाते हैं, ये वेलोसिटी जो ए थी, ए माइनस बी नजर आएगी इधर, आपको अमाउंट पता होगा कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, अगर ए बड़ा है बी छोटा है तो ये वेलोसिटी इधर आएगी, और यदि मिरर की वेलोसिटी यानी बी बड़ा है ए छोटा है तो ये वेलोसिटी जो मैंने एरो इधर बना रहा है वो एरो इधर बनेगा, वो एरर किधर बनेगा, सॉरी एरो किधर बनेगा, इधर एरो बनेगा, और उसी का अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो, यदि ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है इतनी वेलोसिटी से मिरर रुका होने पर ये क्या बोलेगा कि वेलोसिटी इमेज की सेम आएगी ए माइनस बी, मिरर के रुके होने पर वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की होती है वही इमेज की होती है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो ये बंदा बोलेगा कि इमेज की वेलोसिटी कितनी आई, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आई, ये आई इधर, इसकी अपनी वेलोसिटी कितनी थी, बी आगे थी, तो ये अपनी वेलोसिटी इसमें ऐड कर देगा बी आगे, समझ में आया क्या बोला मैंने, दोबारा फिर बोलता हूं देखिए कैसे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड आगे की ओर, इमेज की वेलोसिटी दे दिया आपको 2 मीटर पर सेकंड इधर, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ये मिरर की वेलोसिटी है, इमेज की वेलोसिटी बताओ, वैल्यूज ले लेता हूं, क्या करेंगे मिरर पे जाके बैठ जाएंगे, मिरर की वेलोसिटी हो जाएगी 0, 2 थी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मिरर की वेलोसिटी 2 थी, उस पे जाके बैठ जाएंगे वो हो जाएगी 0, और ये वेलोसिटी अपने नजर आएगी 2 माइनस 3 माइनस 2 इधर, यानी 1 मीटर पर सेकंड इधर नजर आएगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इसका मतलब ये मिरर पर बैठा हुआ बंदा बोलेगा कि इमेज की वेलोसिटी इधर है कितनी, 1 मीटर पर सेकंड, ये आंसर किसने दिया, इसने दिया, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर है, अब मुझे बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कैसे आएगा, ये वाला स्टेप ध्यान से सुनना, मैंने आपको बता रखा है रिलेटिव मोशन में, अगर मैं कहता हूं मैं किसी गाड़ी में बैठा हुआ हूं और मैं बोलता हूं कि उस वो बॉडी रुकी हुई है, मैं किसी गाड़ी में बैठा हुआ हूं और एक बॉडी की वेलोसिटी में कहता हूं वो रुकी हुई है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, तो ग्राउंड पर बैठा हुआ बंदा क्या बोलेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी है, जो मेरी वेलोसिटी है, क्योंकि वो मेरे रेस्पेक्ट में रुकी हुई है, तो इसका फंडा ये होता है कि आपको जब कभी भी किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पता हो और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बतानी हो तो क्या करते हैं, उस फ्रेम की वेलोसिटी एज इट इज बॉडी में ऐड कर देते हैं, तो अब जो एडिशन आता है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आएगा, अब जो आंसर आपका आएगा वो एडिशन जो आएगा वेक्टर का वो आंसर यानी वो वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आएगी, ये मैंने अच्छे से आपको बता रखा है, तो यदि मुझे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी बतानी है तो मैं इस मिरर की वेलोसिटी जो कि 2 थी इसमें ऐड कर दूंगा एज इट इज सेम डायरेक्शन में जो डायरेक्शन थी, तो अब आंसर जो आएगा वो आएगा 2 माइनस 1 राइट डायरेक्शन मीटर पर सेकेंड, यानी 1 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन, समझे, आप फॉर्मूले से करोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, फॉर्मूले में हमारा आंसर क्या आया था 2m माइनस VO VI, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आया था डायरेक्ट, तो देखो अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं ये इसमें फॉर्मूला लगाता हूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आएगा 2vm, ये vm कितना था 2 × 2 था ये, माइनस VO कितना था 3, तो आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकंड, और मैंने इन सभी को पॉजिटिव वैल्यू रखी है, यहां पॉजिटिव रखी है यहां पॉजिटिव, ये फॉर्मूले की वजह से माइनस आया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर की वेलोसिटी इमेज की वेलोसिटी सबकी पॉजिटिव रखी है मैंने और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ये मानी थी क्योंकि सबकी वेलोसिटी इधर थी, इसकी और इसकी दोनों की इनिशियल वेलोसिटी इधर थी, इसकी वेलोसिटी तो मुझे पता ही नहीं था, इसी की तो वेलोसिटी आई है ये पॉजिटिव, तो अब इस पॉजिटिव आने का मतलब क्या है राइट डायरेक्शन, क्योंकि मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, तो ये डायरेक्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो इस फॉर्मूले से, क्योंकि मैंने सब इधर लिया हुआ है, अगर मैं किसी एक ही डायरेक्शन इधर कर देता तो इसमें मुझे, अगर मान लेते हैं वीएम इधर है तो इसमें मुझे वीएम नेगेटिव लिखना पड़ता, अगर मैं इसको पॉजिटिव लिख रहा हूं तो ये नेगेटिव लिखना पड़ता मेरे को,
समझे, तो माइनस प्लस में आप इस फॉर्मूले में गलती कर सकते हैं। इससे बढ़िया क्या है, आप रिलेटिव जानते हैं। आपको जब कभी भी क्वेश्चन दिया जाए कि अब देखो एक और क्वेश्चन, इसमें फिर से एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यही 1D का ही करा रहा हूं, 2D में नहीं जा रहा हूं, 1D का ही करा रहा हूं। ये मिरर है, इसकी वेलोसिटी इधर दे देता हूं मैं 3 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर दे देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। इमेज की वेलोसिटी बताओ क्या आएगी, क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे जाके बैठ जाएंगे, ये वेलोसिटी हो जाएगी 0, ये 3, अब इसमें ऐड हो जाएगा किधर, इधर ऐड हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आएगी 8। अब इस बंदे के रेस्पेक्ट में मिरर रुका हुआ है, तो ये बंदा बोलेगा कि इमेज की वेलोसिटी इधर आनी चाहिए कितनी, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये इमेज की वेलोसिटी आई किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। मुझे बताना है इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो मैं ये वेलोसिटी जो इसकी थी पीछे की ओर कितनी थी, 3 थी पीछे की ओर, जो मैंने अपोजिट करके ऐसे ऐड की थी, तो ये वेलोसिटी जो 3 थी 3 मीटर पर सेकेंड, ये एज इट इज इसमें ऐड कर दूंगा, एज इट इज, मतलब इसमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आंसर देने के लिए 8 + 3 मीटर पर सेकेंड ऐड कर दिया जाएगा, और ये जो रिजल्ट आएगा ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा।